अज असं लैके पहुंचे हाँ सिल्वर राक मॉल जिथे उन्होंने 11th एनिवर्सरी की सैलीब्रेशन चल रही है। 11 साल हो गए हैं सिल्वर राक मॉल में। तो इतने उन्होंने अभी एक फूड फैसटिवल अरेज किया, एक इवेंट अरेज किया जिथे उन्होंने अलग अलग ब्लॉगर्स ने बुलाए ने, जिस तो बाद असं उन्होंने गलबात कराने तो देखते हैं उन्होंने फूड कि लगे। जी जो इतने एमबीएस है ना सिल्वर राक मॉल का सब तो बेस्ट लगता है मैं लुधियाने के इवेंट इन्हें सोहने सोहने ऑर्गेनाइज करते हैं, हालांकि तुम आओगे इतने खाओगे तो स्वाद आ जाएगा। खाना कितना लग्या? खाना तो बेस्ट है यार इन्हों का, सब तो ज्यादा बेस्ट मैंने इनका ड्रिंक्स ला दिए, पिज़्ज़ास ला दिए, बहुत सोहना समान देंगे। इवेंट बारे की कहोगे? इवेंट ऑर्गेनाइज इन्हों बार बार करना चाहिए, बहुत मजा आता है इतने इवेंट में देखा वा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सिल्वर राक नू, इन्हों की 11th एनिवर्सरी है एंड असं इन्होंने फूड कोर्ट में आया फूड ट्राई करन एंड वी ट्राइड मद्रास लीव एंड दालचीनी, इनका फूड बहुत ऑसम है, स्पेशली सिजलर्स और चौमिन इज अ मस्ट ट्राई, इट इज अमेजिंग। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बारे भी कुछ दस दो। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छे ने, उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है जी, हमने फूड जिमें आप ट्राई किया हर थान पर बहुत अच्छा है, मतलब एवरीथिंग इज ओके, बट मतलब मजा आ रहा है, बहुत अच्छा मजा, एंजॉय कर रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग इट फुली एंड हम सबको कहेंगे यहाँ आए और फूड ट्राई करें और प्लस मूवीज भी हैं, शॉपिंग में सब कुछ वन प्लेस में आपको मिल जाएगा, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। मैम इवेंट बारे की कहोगे? इवेंट भी एक्चुअली जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके ऑर्गेनाइज किया, मतलब एक होंगे ना कोई क्लटर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब सारे फूड ब्लॉगर्स इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, इदा नहीं है कि जिन्हों के घट फॉलोअर्स है ज़्यादा फॉलोअर्स है उन्होंने नाल कोई फर्क किया जा रहा है, बिल्कुल अच्छा। और खाना तो ऑफकोर्स जिते भी इन्होंने आउटलेट सूँ इतने विजिट करवाए उन्होंने खाने की जो क्वालिटी से बहुत टेस्टी से। जी जो इतने एमबीएस है ना सिल्वर राक मॉल का सब तो बेस्ट लगता है मैंने लुधियाने के इवेंट इन्हें सोहने सोहने ऑर्गेनाइज करते हैं, हालांकि तुम आओगे इतने खाओगे तो स्वाद आ जाएगा। खाना कितना लग्या? खाना तो बेस्ट है यार इन्हों का, सब तो ज्यादा बेस्ट मैंने इनका ड्रिंक्स ला दिए, पिज़्ज़ास ला दिए, बहुत सोहना समान देंगे। इवेंट बारे की कहोगे? इवेंट ऑर्गेनाइज इन्हों बार बार करना चाहिए, बहुत मजा आता है इतने इवेंट में देखा वा। मैम पहले भी तुम कभी इदा के इवेंट पर आयो, सिल्वर राक की 11th एनिवर्सरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सिल्वर राक नू, इन्हों की 11th एनिवर्सरी है एंड असं इन्होंने फूड कोर्ट में आया फूड ट्राई करन एंड वी ट्राइड मद्रास लीव एंड दालचीनी, इनका फूड बहुत ऑसम है, स्पेशली सिजलर्स और चौमिन इज अ मस्ट ट्राई, इट इज अमेजिंग, वी लव्ड इट एंड वी होप सिल्वर राक ऐसे ही और अपने सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट करे, 25th एनिवर्सरी में हमें और आए, हम इनका फूड और ये सब ट्राई करें, इट इज़ अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। इवेंट ऑर्गेनाइजर को और क्या कहोगे? यही कहना चाहेंगे कि दे आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, लोगों को पता लग रहा है कि यहाँ पे ये आउटलेट्स हैं, ये फूड ऑप्शंस हैं और पहले से काफ़ी ज़्यादा इनके आउटलेट्स भी और भी ओपन हुए हैं, तो इट इज़ अ गुड थिंग, लोगों को और ऑप्शंस मिल रहे हैं एंटरटेनमेंट के अलावा, शॉपिंग के अलावा भी फूड ऑप्शंस हैं, विच इज़ अ वन प्लेस फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एवरीथिंग, इट इज़ अ गुड थिंग। थानू इतने खास की लग्या? एवरीथिंग इज़ खास अबाउट सिल्वर राक, कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है, सो वी लव्ड एवरीथिंग अबाउट इट। सर तुम पहले भी आए होवोगे सिल्वर राक, कुछ हट के अज की लग्या थानू? देखो हट के अज बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब माहौल है, रश बहुत ज़्यादा है, एम्बियंस तो वैसे भी इन्हों का अच्छा ही होंगे हैगा, तो फूड तो फैस आप पहला भी खाधा ही होना का, मद्रास लीफ का खाधा है, दालचीनी का खाधा है, स्पेशली आइसक्रीम भी हैगी उत्थे, आइसक्रीम का भी आप पार्लर टेस्ट किया है, बट इतने मतलब अज बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बनया, रश बहुत ज़्यादा अच्छा वधिया लगता वा इतने आके, लाइवली पूरा है माहौल। अगे भी तुम किसी फैसटिवल या किसी इवेंट पर आए हो सिल्वर राक? सिल्वर राक आप बेसिकली आए हुए हैं फैसटिवल्स से तो नहीं आए, बट आप मूवीज़ देखने आते हैं, आप शॉपिंग कर आते हैं सिल्वर राक के, वैसे लंघते हुए भी अभी मतलब चक्कर लगा जाते हैं सिल्वर राक का। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बारे भी कुछ दस दो। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बहुत अच्छे ने, उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है जी, हमने फूड जिमें आप ट्राई किया हर थान पर बहुत अच्छा है, मतलब बहुत एवरीथिंग इज ओके, बट मतलब मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा मज़ा, एंजॉय कर रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग इट फुली एंड हम सबको कहेंगे यहाँ आए और फूड ट्राई करें और प्लस मूवीज़ भी हैं, शॉपिंग में सब कुछ वन प्लेस में आपको मिल जाएगा, इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस।